फिजिक्स एज ए स्टडी इज स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचुरल लॉज। जब भी हम फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे होते हैं, या तो हम किसी नेचुरल लॉ, किसी नेचर के किसी लॉ के बारे को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि नेचर में ये काम कैसे हो रहा है, हमें उसे समझ आ जाए, या हम उस लॉ को, नेचर के उस लॉ को अपने अपने मतलब के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं, यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के नेचर के लॉज को स्टडी करना और फिर उन्हें अपने लिए यूज करना अपने फायदे के लिए, ये सब फिजिक्स है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने हाथ में से अपना एक ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट नीचे जमीन पर गिर गया, तो इसका गिरना कैसा है, हाउ इट फॉल्स, कैसे फॉल कर रहा है, जो ये फॉल कर रहा है तो उस फॉल में, उस गिरने में कौन सा रूल या कौन से रूल्स लग रहे हैं, एक रूल भी लग सकता है, एक से ज्यादा भी लग सकते हैं, नेचर के कौन से रूल लग रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, हमेशा हम जो साइंस में फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सब नेचर के लॉ होते हैं। हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन का लॉ है, बताइए क्या ये न्यूटन का लॉ है? जब 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 तक न्यूटन के सिर पे सेब नहीं गिरा था, तो क्या उससे पहले सेब नहीं गिरा करते थे, या उससे पहले सेब के गिरने का कुछ और तरीका होता था ना? ये तो हमेशा से सेब गिरा करता था, हमेशा से ऊपर से छोड़ी हुई चीज नीचे गिरती है, तो वो एक्चुअली लॉ है, नेचर का लॉ है। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले उस लॉ को समझा, सबसे पहले समझा, किसने समझा? न्यूटन ने समझा। और न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए, न्यूटन को सम्मान देने के लिए हमने सबने मिलकर क्या कहा, भाई ठीक है आज के बाद हम इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। किसी साइंटिस्ट ने कुछ भी अपने पास से नहीं बताया, जो नेचर में हो रहा है वही बताया है। बस ये बात है कि जिसने सबसे पहली बार उसे समझ लिया, समझकर दूसरों को बताया, सिखाया, उसी के नाम पर हम रख देते हैं उसका नाम, लॉज का नाम। तो फिजिक्स एक्चुअल में क्या है? नेचर के लॉज को स्टडी करना, लॉज, नेचुरल लॉज को। ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी नेचर का ही पार्ट है, जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, ये किन लॉज पर टिका हुआ है, किन लॉज पर चल रहा है, कौन से लॉज हैं जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने हैं, पूरे लॉज, पूरे यूनिवर्स को कौन, कुछ लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं हमें सबको, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम बंधे हुए हैं जिन लॉज से, वो लॉज को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो नेचर है हमारी, उस नेचर में दो पार्ट आते हैं, नेचर के एक्चुअली दो पार्ट है, नेचर के दो पार्ट है, एक तो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड कौन सा? जिसमें हम रहते हैं, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसे, वो सब फिजिकल वर्ल्ड है, वो सब फिजिकल वर्ल्ड है। मैं और आप, ये मेरा पेन, ये मेरी, ये मेरा कैमरा, लैपटॉप, ये सब फिजिकल वर्ल्ड के ही पार्ट है। नेचर का दूसरा पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता, फील तो कर सकते हैं हम उसको, लेकिन सीधे सीधे हमें दिखाई नहीं देता, वो है एनर्जी। ये एनर्जी दिखाई नहीं देती, हम इसे मेजर तो कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, दिखाई नहीं देगा, ये पता नहीं चलेगा इसका, मतलब इसमें ना तो कोई मास है, ना इसका कोई वॉल्यूम है, ना इसका कोई वॉल्यूम है और ना इसका कोई मास है। फिजिकल वर्ल्ड वो है जिस फिजिकल ऑब्जेक्ट, हम बार 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 हम वर्ड बोलेंगे, क्या वर्ड बोलेंगे,
फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट कौन सा? फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब एनी थिंग विच हैज सम मास विच ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, जिसमें कुछ मास है जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पेन रख दिया, मैंने यहाँ पेन रख दिया, इस पेन ने जगह घेर ली। अब जब तक ये पेन यहाँ इस जगह रखा हुआ, मैं दूसरा पेन तो यहाँ रख नहीं सकता। दूसरा पेन इसके ऊपर रख सकता हूँ, साइड रख सकता हूँ, बगल रखता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, लेकिन जिस जगह ये पेन रखा हुआ है उस जगह मैं दूसरा पेन नहीं रख सकता। इसे रखने के लिए पहले मुझे पहला वाला पेन हटाना पड़ेगा, तब क्यों? क्योंकि इस पहले वाले पेन ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, क्या एक जगह इसने अपनी बना ली, इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये इसने अपनी जगह बना ली इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स ने पेन ने अपनी जगह बना ली। अब इसकी जगह कुछ और नहीं आ सकता। अगर कुछ और लाना है इसकी जगह तो पहले से यहां से हटाएंगे, वो जगह खाली होगी, फिर आप पेन लगाना पड़ेगा। हालांकि जब कुछ भी नहीं है तब भी एयर है, लेकिन एयर को हटा करके हम यह पेन लाए। यहाँ पर मैंने यहाँ पेन नहीं रखा हुआ तो इस पूरी जगह पर एयर है। अब मैंने पेन लगा दिया तो एयर को हटा के पेन रखा है यहाँ पर। अब जहां पेन है वहां एयर नहीं है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट वो है जिनमें मास है, जिसमें वॉल्यूम है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो सब फिजिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन एनर्जी है, एनर्जी में ना मास है ना वॉल्यूम है, ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे एक सीधी सी बात है, ये मेरा पेन पेन है, मैंने इसे थोड़ा सा हीट देकर गर्म कर दिया तो क्या ये बढ़ गया? उस हीट ने कुछ जगह घेरी क्या इसके अंदर? ना, पेन अब भी वही का वही रहा। यहाँ पेन रखने के लिए उतनी जगह चाहिए। तो एनर्जी जिसमें ना मास है ना वॉल्यूम है, ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं, हम इसे नाप भी सकते हैं, हम इसे मेजर भी कर सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम फील कर सकते हैं, मास भी है इसमें, वॉल्यूम भी है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन एनर्जी में ना मास है ना वॉल्यूम है ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हमें फील कर सकते हैं हम इसे, हम इसे नाप भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है, फिजिकल ऑब्जेक्ट की भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी हम साइज मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की ना तो डेंसिटी है कोई, ना इसका वॉल्यूम है, ना इसका मास है, बस एनर्जी की जो क्वांटिटी है इसे हम मेजर कर सकते हैं। किसे मेजर कर सकते हैं? हम इसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कैसे? क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, भाई मेरे पास एक किलो पानी है, एक किलो पानी है, क्या है 1 kg वाटर है मेरे पास ये, और इसका जो टेम्परेचर है वो 10 degrees Celsius है, वो ठंडा पानी है, मैं मुझे नहाना नहीं है इस ठंडे पानी से, तो मुझे नहाना नहीं है, मुझे पानी चाहिए 40 degrees Celsius का हल्का सा गर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको क्या करनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, ये हीट हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इसे बता सकते हैं कितनी हीट दो ताकि टेम्परेचर 10 degrees से 40 degrees हो जाए। फॉर्मूला ये रहा इसका MC delta theta। एनर्जी है, एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम नहीं है, उसका मास नहीं है तो मेजर भी नहीं कर सकते। फिजिकल वर्ल्ड और एनर्जी, ये दोनों मिलकर नेचर है, और इस नेचर की स्टडी कहलाती है फिजिक्स। फिजिकल वर्ल्ड भी इसमें आ गया और एनर्जी भी आ गया। एनर्जी का लेन देन, ये गर्म हुआ तो इसने एनर्जी कैसे ली, कहाँ से ली, किस तरीके से एनर्जी ली है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या रहा है एनर्जी का, इन सब की स्टडी भी फिजिक्स है। और एक्चुअली उस एनर्जी का इफेक्ट पड़ रहा किस पर है? उसका इफेक्ट पड़ रहा है पानी पर। तो पानी की एक्चुअली तो हम पानी की स्टडी कर रहे हैं कि पानी को एनर्जी देने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी में एनर्जी से निकालने से घट रहा है। तो एनर्जी और फिजिकल ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही, फिजिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी और एनर्जी, एनर्जी और फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। एक्चुअली जब एनर्जी का चेंज होगा तभी हम फिजिकल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज फील करेंगे, उस चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे। ये दोनों मिलकर नेचर है और दोनों की स्टडी कंबाइंड रूप से क्या है?
दोनों की कंबाइंड रूप से स्टडी है फिजिक्स। क्लियर हुई थी बात आपको?